मोलकी में लीजिए, मोलकी की अग्नि परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, और लिटरली अग्नि परीक्षा की ही तैयारियां हो रही है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। जी हाँ, अंगारे बिछाए जा रहे हैं और अंगारों पर चलाया जाएगा मोलकी को। अब सवाल ये है कि जनाब, आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? आई मीन ठीक है, आप उसको मेटाफोरिकली ले लें, यानी कहावत के रूप में ले लें तो ठीक है, लिटरली आप किसी को अंगारों पर चलाएंगे? प्लीज़ हैव अ हार्ट। मुखी की मुखियाइन है, लेकिन भाई उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। आज पूर्वी पर उसी के अपने लोगों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया है, और आपको बता दे इस चोरी के इल्जाम में कितनी बड़ी सजा भी सुना दी गई है। अपने घर में डाका नहीं डालते, अपने घर में चोरी करने का वही चोरी का इल्जाम उसके सर पे लग गया है, और बहुत सीरियस मामला है कि हर बार ये इल्जाम लगते रहता है उसके ऊपर, और चोरी की है उसने। ऐसा साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हैं सारी, तो अल्टीमेटली लग रहा है कि चोरी उसी ने की है। अब ये सच है गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो लग ऐसा रहा कि उसने ही किया है। तो आई थिंक वो नहीं मान रही है, लेकिन पंचों का ही फैसला है, बिकॉज आई थिंक वो मेरे माँ के कहने पर वो कहने पे आ गए हैं, और मैं था नहीं जब ये हुआ तब। पूर्वी की सजा ये है कि उसे जलते कोयले पर चलना होगा। अब भी ऐसी सजा आज के जमाने में सुनकर आप भी थोड़े से अचरज में पड़ गए होंगे, क्योंकि ये गांव खेड़ा है, यहाँ पर सरपंच जो फैसला लेते हैं ना, उसे ही भगवान का फैसला मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। एक सजा सुनाई मैंने, छोटी सजा सुनाई है कि गांव के 10 चक्कर काटने हैं, उसको वो सजा मिल रही है, और वो ना बोल रही कि भुगतने के लिए छोटी सजा है, बल्कि पंचायत ने उसको बोला है कि तू कोयले पे चलेगी, गरम गरम कोयले पे चलेगी, वो मुझे नहीं पता, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हिमोल की जो अपने आंसू बहा रही है, सबसे कह रही है कि उसने कोई चोरी नहीं की, यहाँ तक कि उसने मुखी को भी कह दिया, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कौन करे? अब जिसे विश्वास करना है वो करे, जिसे ना करना है ना करे। अब पूर्वी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो बवाल करेगी और इस कोयले पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मोलकी ने भड़ास निकाल दी, मोलकी को हर बार गलतफहमी हो जाती है तो पंगा करती मेरे साथ, तो आज भी कर लिया उसने, लेकिन आज तो बहुत सीरियस था मामला, तो पता नहीं भाई आगे क्या करेगी वो। पूर्वी के साथ इतना सब कुछ होते देख वीरेन भी कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए तो वीरेन के साथ भी आज उसने अपना नाता तोड़ लिया है। आज से और अभी से हमारा और आपका ये मूल का रिश्ता खत्म। हाँ, रिटर्न दिया, फर्स्ट EMI दिया उसने पूरा भी बाकी चुकाना, जब तक पूरा चुकाएगा नहीं कोई जा नहीं सकता हमारे रेवाड़ी से बाहर। अब पूर्वी और वीरेन के इस टूटते रिश्ते को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश हो रहा होगा घर में? खुश होने वाले खुश हो जाओ, मोलकी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी और खुद को बेकसूर भी साबित करेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।